हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैल्कन विंग्स। फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर बना रहा हूँ। जनरली सबके कार में होती होगी ये प्रॉब्लम, अननेसेसरी एसी फिल्टर से या एसी के विंड से आवाज़ आना। मतलब आप एसी चलाते हैं तो एक अलग से साउंड कुछ आने लगता है, तो ये जनरली होता है एसी के अंदर जो आपका विंड्स होता है या फिर ब्लोअर होता है उसमें डस्ट पार्टिकल चले जाने से या किसी चीज़ के फंस जाने से या अटक जाने से होता है। तो मैं पहले आपको एक चेक करके आवाज़ सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, गाड़ी को मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ से मैं आपको दिखलाता हूँ एक ये एसी को। जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे यहाँ से, तो ये देखिएगा जो नॉर्मल आवाज़ एसी की होती है उसके अलावा एक अलग से साउंड आएगा। ये देखिए, आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये नॉर्मल एसी का साउंड नहीं है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने आवाज़ सुन ली, तो ये आवाज़ जो थी ये मतलब किसी चीज़ के फंसने की, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई मतलब पेड़ के पत्ते हो सकते हैं या फिर कुछ भी चीज़ जो एसी वेंट में आपका या एसी का जो ब्लोअर होता है उसमें जा सकता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्या यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हम लोग ये इस तरह की पार्किंग स्लिप वगैरह रख देते हैं, तो वो क्या होता है अगर एसी फिल्टर आपका नहीं लगा रहेगा। यहाँ पे एसी फिल्टर होता है, वो भी मैं आपको खोल करके चेक करके दिखला दे रहा हूँ कि वो अगर नहीं लगा रहेगा तो ये मतलब वैक्यूम क्रिएट करता है इसका ब्लोअर, और इस ब्लोअर में ये चीज़ छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े रहते हैं या कोई भी चीज़ आपकी रहेगी तो वो जा करके उसमें फंस जाते हैं और उसी चीज़ का ये साउंड आ रहा है। जैसे मैं इस गाड़ी को सर्विस में दे करके कहीं चला गया था और उसके बाद जब वापस आया हूँ तो उसके बाद पता चल रहा है कि इसमें उन लोगों ने एसी फिल्टर को लगाया ही नहीं है। तो हालांकि उसका बिल वगैरह उन लोगों ने नहीं किया है कि मैंने एसी फिल्टर के लिए ऑर्डर किया और उन लोगों ने मतलब बिल करने के बाद नहीं लगाया, ऐसा नहीं है। वो लोग भूल गए किसी रीज़न से, उन लोगों ने साफ़ करने के लिए निकाला होगा या कुछ और वो लगाना भूल गया। तो उसमें क्या हुआ है कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसे दो क्लिप रहता है यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बाहर आ गया, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसमें कोई भी आपका ये नहीं लगा हुआ है जो फिल्टर होता है एसी का। अगर आप देख पा रहे हैं कोई फिल्टर नहीं है, और पता नहीं कैमरा दिखा पाएगा या नहीं कि कोई चीज़ उसमें जाके, ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कागज़ का टुकड़ा आपको दिख रहा है वही चीज़ फंसी हुई है जो इसका साउंड आ रहा है। अब उसको हम लोगों को निकालना है, वो निकल जाएगा तो प्रॉब्लम हमारी आई होप कि सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो चूंकि अगर इस पर एसी फिल्टर यहाँ पे लगा रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप गाड़ी सर्विस वगैरह में दें या खुद से भी साफ करने के लिए निकाल रहे हैं तो प्रॉपरली उसे वापस अपनी जगह पर लगा दीजिएगा। तो यार, मैंने दूसरा एसी फिल्टर ले लिया है, वो मैं भी लगा दूंगा यहाँ पर। तो इस पेपर को हम लोग निकालते हैं इसमें से और उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ। मैं अपने हाथ से उसे निकालने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरा हाथ पहुँच जाए यहाँ तक। तो ये देखिए, ये मैंने शायद फ्यूल वगैरह लिया, उसका स्लिप है और उस वो वैक्यूम से वहाँ पे चला गया और एसी फिल्टर नहीं होने की वजह से इसमें जा करके वो फंस गया था, वही आवाज़ कर रहा था। अब मैं फिर से एक बार एसी ऑन कर रहा हूँ, अब आप सुनिएगा इस ब्लोअर की आवाज़। आई होप कि ये ठीक हो गया होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ब्लोअर चलेगा तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, कोई साउंड नहीं है, सिर्फ ब्लोअर का जो नॉर्मल साउंड होता है वो साउंड आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी में हो सकती है, उसे आप चेक करके प्रॉपर उसे सेट कीजिएगा। अभी मैं एसी फिल्टर लगा दे रहा हूँ, आवाज़ और दब जाएगी और अच्छा साउंड आने लगेगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एसी का एक फिल्टर है, ये देखिए ये इसका एसी फिल्टर है और गाड़ी में जो एसी फिल्टर रहता है उसका एयर फ्लो का डायरेक्शन और इसमें अप एंड डाउन लिखा रहता है। ये देखिए, इसमें अप साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम लोग को इस डायरेक्शन में लगाना है, इसे सिंपली इंसर्ट कर देना है, जस्ट लाइक जैसे हम लोग पहले कैसेट को इंसर्ट करते थे उसके कैसेट प्लेयर पे, इसको लगा देना है। इसको लगाने के बाद एक कैप आता है इसका, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
एक कैप दिया रहता है, इसमें लॉक रहता है, इस कैप को भी आपको इस पे लगा देना है। तो तीन पॉइंट रहता है, एक इस साइड फंसेगा, एक इस साइड फंसेगा, और एक आपका ये बीच वाला पॉइंट रहता है। तो पहले बीच वाले पॉइंट को सेंटर पे मिला लें, और ये अच्छी तरह से लॉक हो गया। अब देखिए मैं फिर से एक बार एसी को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा आपको इस पर साउंड नहीं आ रहा है। मैं और इसे तेज भी करूँ तो वो जो पहले आवाज़ आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस पर हम लोग वापस इसको लगा देंगे, इसको सिंपली यहाँ फंसाना है। पहले ये दोनों जगह पे इसका क्लिप रहता है, इस तरह का ये क्लिप यहाँ फंसा देना है। फंसने के बाद इसे हल्का सा मैं इस साइड से पुश करूँगा, साइड से पुश करूँगा, ये लग गया। अब देखिए अब क्या होगा कि अब कुछ भी जो स्लिप वगैरह है इसमें या कुछ हम लोग डाल देते हैं पेपर्स वगैरह, वो अंदर जा करके वो डिस्टर्ब नहीं करेगा एसी ब्लोअर को। देखिए कितनी क्लियर आवाज़ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इससे दो फायदा होता है, एक तो आपका एसी फिल्टर जो है अंदर आपके डस्ट नहीं जाने देगा, तो ये सब विंड्स वगैरह जो है आपके वो प्रॉपरली क्लीन रहेंगे। उसमें आपको बाद में ट्रबल शूट का जो प्रॉब्लम रहता है या कुछ भी बाद में डिफ़िकल्टीज जो होती हैं वो नहीं आएंगी, ये मतलब सेफ रहता है। क्योंकि बार बार ये डैशबोर्ड खुलवाना अच्छा नहीं है ना, कि आप उस वो बहुत लंबा सा काम होता है कि आप गाड़ी को पूरी तरह से मतलब क्लियर करा रहे हैं, पूरा साफ करा रहे हैं, तो वो बहुत लंबा चौड़ा उसमें खर्च भी जाता है और समय भी आपका बहुत ज़्यादा उसमें बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए कोशिश यही करना है कि जो गाड़ी की प्रॉपर जो इक्विपमेंट होती है, जो कंपनी का रिकमेंडेशन रहता है कि इतने इतने दिन पर आपको चेक करना है, ये एक आप अपना रूटीन भी कर सकते हैं कि महीने में एक दिन छुट्टी मिलती है या कुछ ऐसे मतलब लीजर पीरियड में अपना, कि गाड़ी को एक बार निकालना है, उसका जो प्रॉपर चेकलिस्ट होता है मैनुअल के हिसाब से वो आपको चेक करके देख लेना है कि हमारा इंजन ऑयल सही है या नहीं, एयर फिल्टर सही है या नहीं, एसी फिल्टर सही है या नहीं, बेल्ट की क्या कंडीशन है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप लंबे खर्चे से और अपने समय के जो वेस्टेज होता है उससे बच पाएंगे। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी ट्रबल शूट से रिलेटेड या इस तरह की और भी वीडियो की जानकारी आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फिर इसी तरह की किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू।